आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लहसुन की चार कलियों के इस्तेमाल से आप अपने गंदे पीले दांतों को दूध की तरह सफेद और चमकदार बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गंदे पीले दांत हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल खराब कर देते हैं, क्योंकि गंदे पीले दांतों के कारण ना तो हम खुलकर हंस पाते हैं, ना ही किसी के सामने खड़े होकर बात कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे दांत देखकर हमारी पर्सनैलिटी को जज ना करने लगे। ऐसे में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। फ्रेंड्स, गंदे पीले दांतों का बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांत ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, बाहर का बहुत ज्यादा खाना, या फिर ब्रश टाइम पर नहीं करना। फ्रेंड्स, और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं और अंदर की तरफ से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम कितना ही ब्रश करें। फ्रेंड्स, लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो सिर्फ 2 मिनट के इस्तेमाल से ही आपके गंदे पीले दांतों को दूध की तरह सफेद, चमकदार और मजबूत बना देगा। और जिसमें हम लहसुन का यूज कर रहे हैं वो आपके दांतों में से कीड़े की समस्या को भी और बिल्कुल खत्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा ताकि आप नुस्खे का अच्छे से फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, नुस्खे को शुरू करते हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों कोलगेट। कोलगेट लगभग हर घर में आराम से मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कोलगेट का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको कोलगेट लेना है। यदि आप कोई और टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे क्लोजअप, पेप्सोडेंट, तो वो भी आप ले सकते हैं। टूथपेस्ट वो आपको लेना है जो आप यूज करते हैं। तो मैं कोलगेट यूज करता हूं, तो मैं इसके अंदर लूंगा कोलगेट। कोलगेट उतना ही आपको लेना है जितना आप अपने दांतों पर जो है यूज करते हैं, तो उतना कोलगेट मैंने इसके अंदर ले लिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें इस नुस्खे में ऐड करनी है दोस्तों, वो है दोस्तों नमक। नमक हमें वो लेना है जो हम अपने रसोई में घर में इस्तेमाल करते हैं। नमक दोस्तों आपके दांतों की जड़ों में जाकर बिल्कुल आपके दांतों में जो कालापन है, पीलापन है, उसको जड़ से उतार देगा। तो इसके अंदर हम लेंगे 1 चुटकी के बराबर नमक। तो नमक है सिर्फ, हमें सिर्फ इतनी मात्रा में लेना है। ये देखिए, हमने दोस्तों नमक भी ले लिया है। और नमक आपके दांतों को मजबूत बनाने का भी काम करता है, कीड़े को भी खत्म करने में हेल्प करता है, और दांतों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लाइफ के लिए तैयार रखता है। इसके बाद हमें जो तीसरी चीज इस नुस्खे में इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों हल्दी, यानी कि टर्मरिक। और दोस्तों सभी जानते हैं हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो आपके दांतों को बहुत ज्यादा मजबूत और कीड़ा रहित बनाएंगे, और आपके दांतों की गंदी स्मेल को भी खत्म करेंगे, और आपके माउथ को बहुत ज्यादा फ्रेश और सुंदर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम लेंगे फ्रेंड नमक से थोड़ी ज्यादा हल्दी, यानी कि दुगनी, नमक से दुगनी हम इसके अंदर हल्दी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हमने ले ली है। इसके बाद जो आखिरी चीज हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों लहसुन की चार कलियां। आपको इस तरीके से लहसुन की चार कलियां लेनी है और इसे पीस कर या फिर मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से इसे बारीक पीस कर आपको इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा ज्यादा पेस्ट बना लिया ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो इसी तरीके से आपको चार कलियां लेकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और इसके अंदर हम लेंगे 4 कलियों के बराबर लहसुन का पेस्ट। इतना हम इसके अंदर पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिया है। अब हमारा नुस्खा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मिक्स होकर तैयार हो गया है, और बहुत ही जल्दी ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाता है, और आप मिनटों में इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने दांतों का पीलापन खत्म करके अपने दांतों को मजबूत, सुंदर, अपनी स्माइल को बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लहसुन है फ्रेंड्स, वो आपके दांतों का पीलापन तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके दांतों में कीड़े की समस्या को हटाएगा और आपके कमजोर ढीले दांतों को भी मजबूत बनाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको इस्तेमाल करना कैसे करना है अपने दांतों के ऊपर। आपको एक ब्रश ले लेना है दोस्तों, और आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्रश वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको अपने अपने ब्रश पर लगाना है इस पेस्ट को, और अपने दांतों पर 2 मिनट तक लगातार आपको ब्रश करना है जैसे आप हमेशा करते हैं नॉर्मली, और आपको पूरी तसल्ली से करना है फ्रेंड्स। और पहली ही बार में आप देखेंगे कि आपके दांतों का पीलापन और कालापन कितना ज्यादा खत्म हो चुका होगा आपके दांतों के ऊपर से। और फ्रेंड्स, इसका कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये नुस्खा बिल्कुल नेचुरल है। इसके अंदर हम सिर्फ कोलगेट ही है एक जो यूज कर रहे हैं, बाकी तो हमने सब कुछ नेचुरल ही लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको कब कब और कैसे करना है। आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल हर दूसरे दिन करना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आपको यूज करना है इस नुस्खे को। और आप देखेंगे 3 से 4 बार के इस्तेमाल में आपके दांतों का पीलापन और कालापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा,
पहली बार से आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा और लगातार 3-4 बार के बाद आपके दांत पूरी तरीके से दूध की तरह सफेद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और दांतों में कीड़े की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नुस्खा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर। और दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू दोस्तों।